इसराइल ने पहले लबनान पे और अब ईरान पे हमला किया है। जब फिलिस्तीनी मजदूरों को अपने अपने जॉब से निकाला जाता है और इसराइल में एक बड़ी सी क्राइसिस हो जाती है कि अब काम कौन करेगा, हिंदुस्तान में उस मैदान जंग में भेजने के लिए जो है नौजवानों को रिक्रूट करके भारतीय सरकार की मदद के चलते वहां पे भेजा जाता है, और उसके बाद जो है भारत सरकार को अकल आती कि नहीं नहीं यहां पे जंग हो रहा है, तो फिर उन्होंने एडवाइजरी जारी की कि हिंदुस्तानियों को इसराइल नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपने भेजा, आपने मजदूरों को भेजा, आपने फिलिस्तीनी मजदूरों की बेरोजगारी का जो प्लान है इसराइली हुकूमत का उसको सपोर्ट किया और हिंदुस्तानी मजदूरों को वहां पे भेजा मरने के लिए। क्या ये भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट का मिसाल है? अगर ये जंग इसी तरह चलता गया, अगर नेतन्याहू सरकार किसी तरह अपनी कार्रवाई करती रही, तो भारत के राष्ट्रहित को भी बहुत भारी नुकसान और पहुंचने वाला है। ऑलरेडी नुकसान पहुंच चुका है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लोग बहुत फख्र से कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया फर्स्ट है, तो इंडिया फर्स्ट का मतलब है कि जब आपका जो भूतपूर्व सैनिक कर्नल वैभव काले जो यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहे हैं और गजा पट्टी में उसकी डिप्लॉयमेंट होती है, जब इजरायली बल के जरिए उसको मारा जाता है और ये बात साबित हो जाती है कि इजरायल ने डायरेक्टली यूएन गाड़ी को निशाना बनाया, उसमें हिंदुस्तानी नागरिक की हत्या होती है, आप चुप रहते हैं, क्या ये इंडिया फर्स्ट का मिसाल है? और कितने बड़ी शर्म की बात है ये कि ग्लोबल साउथ की बात करने वाले, विश्व गुरु की बात करने वाले, न जाने कौन कौन से स्लोगन देने वाले, आप जो है रंगे हाथ पकड़े गए कि आप असला बेच रहे हैं। आज का जो सवाल है, आज की जो चुनौती है, कैसे वो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत अहम एक सवाल, एक प्रश्न बन चुका है कि क्या नस्ल कुशी में, क्या जेनोसाइड में हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की आवाम शामिल होना चाहती है, क्या इसको नकारना चाहती है? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जस्टिस आईसीजे जनवरी में जब उनकी राय सामने आई, वहां पे साउथ अफ्रीका, और ये भी एक तरह से लानत है हिंदुस्तान की सरकार पे कि ग्लोबल साउथ की बहुत बातें होती है कि हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ की कयादत कर रहा है, लेकिन इजरायली नस्ल कुशी, इजरायली जंग के खिलाफ चुनौती देने वाला मुल्क साउथ अफ्रीका था, और उन्होंने जाके आईसीजे में जब केस फाइल किया, उस पर सुनवाई हुई, और एक इंटरिम जजमेंट में आईसीजे ने कहा कि इजरायली एक्शंस को मद्देनजर रखते हुए, इजरायली नेताओं के अलग अलग जो बयान हैं उनको नजर रखते हुए, कोर्ट को लगता है कि जो तथ्य साउथ अफ्रीका ने आगे पेश किया है ये जेनोसाइड का एक इशारा हमको दे रहा है। पूरी केस जो उनकी सुनवाई भी होगी, लेकिन जहां तक आईसीजे की जो प्रिलिमिनरी रूलिंग है वो ये है कि जिस तरह से इसराइल गजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ जंग लड़ रहा है उसमें जेनोसाइड के आसार, जेनोसाइड का खतरा साफ दिखता है, और बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिसको आप उस किस्म, उस जेनोसाइड के साथ आप जोड़ सकते हैं। तो जब जेनोसाइड कन्वेंशन की बात आती है, ऑलरेडी कॉमरेड बिंदा करात ने कहा कि जेनोसाइड कन्वेंशन और आईसीजे रूलिंग के तहत, और जॉन रेस ने भी कहा कि भाई इसके तहत हर जो मुल्क है आपका एक कानूनी फर्ज बनता है कि आप उस जेनोसाइड को, उस नस्ल कुशी को, उस नरसंहार, उस मैसेकर, उस जेनोसाइड को बढ़ावा नहीं देंगे,
यह आपका एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। और जिस तरह से हिंदुस्तान से तकरीबन 4-5 ऐसे मिसाल सामने आए हैं, क्योंकि मदद कई प्रकार के होती है, अलग अलग किस्म की मदद होती है, लेकिन सबसे घिनौना, सबसे जो है खराब जो मदद एक ऐसे हालात में वो है जब आप इजरायली हुकूमत को आप असले बेच रहे हैं। और ये डॉक्यूमेंट हो चुका है, पहले शेपर्ड मीडिया ने इस बात का उजागर किया मार्च में, उसके बाद जो हमारे साथी हैं आर रामचंद्रन, उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा को बारीकी से उसका अध्ययन करके ये तथ्य निकाले कि रक्षा मंत्रालय बार बार जो है लाइसेंस दे चुका है उन कंपनियों को जो इसराइल को हथियार बेच रहे हैं। और 2 या 3 ऐसे मिसाल इन्होंने रिपोर्ट किया, और 2 अलग अलग जो हैं पता नहीं वो किस लाइसेंस से ताल्लुक रखने वाली शिपमेंट्स थी, लेकिन स्पेन में जो पकड़े गए, ये भी एक तरह से लानत हो हिंदुस्तान की सरकार पे कि जिम्मा आपका बनता है कि आप जेनोसाइड को सपोर्ट नहीं करेंगे, आपने हिंदुस्तान से हथियार बेचे, जहाज से गए, और स्पेन की हुकूमत वहां पे भी, स्पेन की हुकूमत इसलिए शायद मजबूर हुई क्योंकि वहां के जो मजदूर संगठन है, वहां के जो ट्रेड यूनियंस हैं, वहां के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने रिसर्च करके इस बात को पकड़ा कि हालांकि जहाज में लिखा गया कि भाई कुछ और चीजें जा रही है, लेकिन हकीकत में ये है कि उसमें हथियार है, और स्पेन की हुकूमत ने उस शिपमेंट पे रोक लगाई। जो हिंदुस्तान का जिम्मा था वो फाइनली स्पेन ने निभाया, और कितने बड़ी शर्म की बात है ये कि ग्लोबल साउथ की बात करने वाले, विश्व गुरु की बात करने वाले, न जाने कौन कौन से स्लोगन देने वाले, आप जो है रंगे हाथ पकड़े गए कि आप असला बेच रहे हैं और दूसरे मुल्क जो है उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक और बात रखना चाहूंगा कि ये जो सवाल उठ रहा है, और कल जिस खत को रक्षा मंत्रालय को भेजा गया जिसमें 40 से 50 ऐसे लोगों ने उसपे दस्तखत किया, जो हिंदुस्तान के आला, हिंदुस्तान के प्रसिद्ध बहुत मशहूर लोग हैं, और उन्होंने कहा कि इस एक्सपोर्ट पे रोक लगाया गया फौरी तौर पे, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक नैतिक या एक मॉरल सवाल नहीं है। मॉरल ऑब्लिगेशन तो है ही हिंदुस्तान का कि आप इस जेनोसाइड को बढ़ावा नहीं देंगे, इसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से वहां पे चीजें हो रही हैं, अगर ये जंग इसी तरह चलता गया, अगर नेतन्याहू सरकार किसी तरह अपनी कार्रवाई करती रही, तो भारत के राष्ट्रहित को भी बहुत भारी नुकसान और पहुंचने वाला है। ऑलरेडी नुकसान पहुंच चुका है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लोग बहुत फख्र से कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया फर्स्ट है, तो इंडिया फर्स्ट का मतलब है कि जब आपका जो भूतपूर्व सैनिक कर्नल वैभव काले, जो यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहे हैं और गजा पट्टी में उसकी डिप्लॉयमेंट होती है, जब इसराइली बम के जरिए उसको मारा जाता है, और ये बात साबित हो जाती है कि इसराइल ने डायरेक्टली यूएन गाड़ी को निशाना बनाया, उसमें हिंदुस्तानी नागरिक की हत्या होती है, आप चुप रहते हैं, क्या ये इंडिया फर्स्ट का मिसाल है? जब फिलिस्तीनी मजदूरों को अपने जॉब से निकाला जाता है और इसराइल में एक बड़ी सी क्राइसिस हो जाती है कि भैया काम कौन करेगा, हिंदुस्तान में उस मैदान जंग में भेजने के लिए जो है नौजवानों को रिक्रूट करके भारतीय सरकार की मदद के चलते वहां पे भेजा जाता है, और उसके बाद जो है भारत सरकार को अकल आती कि नहीं नहीं यहां पे जंग हो रहा है, तो फिर उन्होंने एडवाइजरी जारी की कि भाई हिंदुस्तानियों को इसराइल नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपने भेजा, आपने मजदूरों को भेजा, आपने फिलिस्तीनी मजदूरों की बेरोजगारी का जो प्लान है इसराइली हुकूमत का उसको सपोर्ट किया और हिंदुस्तानी मजदूरों को वहां पे भेजा मरने के लिए, क्या ये भारत फर्स्ट इंडिया फर्स्ट का मिसाल है? इसराइल ने पहले लबनान पे और अब ईरान पे हमला किया है, आप किसी भी यहां पे
हमारे वरिष्ठ जो है फॉर्मर डिप्लोमैट्स बैठे हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि इसराइल का मंसूबा क्या है, इरादा क्या है। इसराइल का इरादा यह है और खासतौर पर नेतन्याहू का इरादा यह है कि ये जंग जिसके चलते इतना जो है मॉरल नुकसान इसराइल और इसराइली लोगों को झेलना पड़ा है, क्योंकि पूरी तरह से ये लोग नस्ल कुशी में मुलव्वस हैं, इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे जो है नेतन्याहू अपने आप को बचा ले, एक ही रास्ता उनके सामने है कि वो जंग को और बड़े पैमाने पर फैलाए। तो पिछले 4-5 महीने से कोशिश चल रही है कि लबनान को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ईरान को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और अब जो है इतना एक इल्लीगल जो हमला हुआ है हमास के नेता को कत्ल जो हुआ तेहरान में, ये न सिर्फ हमास के फिलिस्तीनी लोगों पर हमला था, ईरान जो एक सॉवरन कंट्री है और जिस तरह से इसराइल ने अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को इन्वोक किया गजा में जाने के लिए, हालांकि गजा एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और किसी भी मुल्क को ऐसा कोई राइट नहीं कि आप ऑक्यूपाइड टेरिटरी में तुम्हारा हमला करें, खासतौर पर जब ICJ ने इस बात को मान लिया है जुलाई में कि इजरायली ऑक्यूपेशन इज इलीगल। लेकिन ईरान वो हक रखता है, ईरान भी जो है कुछ कर सकता है, और शायद नेतन्याहू यही चाहते कि जंग एक बड़े इलाके में और बड़े खत्ते में फैले। हिंदुस्तान के जो लोग हैं तकरीबन 4 या 5 मिलियन लोग गल्फ के खत्ते में काम कर रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि अगर ये जंग और फैल जाए, जो इसराइल चाहता है, जो नेतन्याहू चाहता है, उससे हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को, हिंदुस्तान को कितना नुकसान जो है पहुंच सकता है, इस बात को जो है मोदी साहब नहीं समझते। वो इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, इसमें इंडिया फर्स्ट कहां है। तो मेरा मानना है कि जो किसी भी डेमोक्रेसी में एक बेसिक पारदर्शिता होनी चाहिए, भाई भारत सरकार अगर आप असले बेच रहे हैं तो इस बात को खुल के आप कबूल करें। पार्लियामेंट में जो रक्षा मंत्री जी हैं वो स्टेटमेंट पेश करें कि भाई हिंदुस्तान इसराइल को हथियार बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, हिंदुस्तान इससे क्या हासिल करना चाहता है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार, अगर रक्षा मंत्री इस बात को वो इनकार करते हैं कि हम नहीं बेच रहे, तो वो पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट पेश करें, एक कमिटमेंट दे कि आइंदा या आगे से कोई भी वेपन, कोई भी ड्यूल यूज सिस्टम, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, जैसे रामचंद्रन जी के स्टोरी में आया कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड जो लाइसेंस मिला कहने के लिए वो ड्यूल यूज आइटम है, क्योंकि जो एक्सप्लोजिव जो बारूद है आप उसको सो कॉल्ड नॉन मिलिट्री यूसेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राजनाथ जी एक तरह से कमिटमेंट दे पार्लियामेंट में कि ड्यूल यूज हो या मिलिट्री यूज हो, ऐसा कोई जो है कोई चीज हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा इसराइल को, जो इस जेनोसाइड में, जो इस इलीगल वॉर में, जो इन वॉर क्राइम्स में इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों एक और बात, ईरान पे हमला करने से पहले इसराइल में, शायद आपने खबरें देखी हो या नहीं देखी हो, बहुत अजीबो गरीब और खतरनाक किस्म की चीजें देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दबाव के चलते हो सकता यही कारण थे, इसराइली हुकूमत ने 8 ऐसे इसराइली सैनिकों की गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया जिनपे बलात्कार का इल्जाम लगभग साबित हो चुका था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो एविडेंस निकले जहां पे ये इसराइली सैनिक फिलिस्तीनी कैदियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज और रेप जो है कर रहे थे। इनपे मुकदमा जो है दर्ज हुआ और जिन मिलिट्री कैंप्स में इन सैनिकों को रखा गया वहां पे न सिर्फ ये राइट विंग जो दक्षिणपंथी इजरायली संगठन ने उन्होंने हमला किया, बहुत सारे ऐसे मेंबर आने पार्लियामेंट, मैंने ऐसे ऐसे बयान पढ़े जो नेतन्याहू के पार्टी के मेंबर हैं और MP हैं, और जैसे हिंदुस्तान में आमतौर पर यह सुनने को मिलता है कि भाई अगर कोई BJP का या कोई ऐसा कोई आदमी गिरफ्तार होता है जो जो सिस्टम को बड़ा प्यारा वो है, तो कहते कि नहीं नहीं इससे किया नहीं होगा, ये इल्जाम झूठा है। इसराइल में जो मेंबराने पार्लियामेंट सड़क पर उतरे हैं वो कह रहे हैं कि ये इल्जाम सही भी हो
लेकिन जो काम जो कृत्य इन्होंने किया ये सही किया। यानी कि ऐसे ऐसे मेंबर आने पार्लियामेंट है उस देश में जो हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो खुल के बलात्कार सेक्सुअल असॉल्ट टॉर्चर ये कहते कि ये जायज है। तो मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के की पॉलिटिकल क्लास के लिए बहुत बड़ी चुनौती कि आपने कैसे कैसे दोस्त पाल रखे हैं, ये कैसा रिश्ता है, और ऐसी हुकूमत को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे जन को आप बढ़ावा दे रहे हैं, नस्ल कुशी को, जनोसाइड को आप बढ़ावा दे रही है, कहां तक, किस दुनिया में ये भारत के नैतिकता के को के पक्ष में है, किस तरह से ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में है, ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। और इसलिए मैं समझता हूं कि जो चिट्ठी भेजी गई कल रक्षा मंत्रालय को, रक्षा मंत्री को, इस पर भारत सरकार गंभीरता से सोचे, ये सवाल मैं वृंदा जी से सहमत हूँ कि पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार से एक एक फॉर्मल स्टेटमेंट मांगी जाए जिसमें वो कमिटमेंट दे कि हिंदुस्तान कोई ऐसा रोल नहीं प्ले करेगा जिससे हिंदुस्तान के जो इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस है उसकी उल्लंघना हो। थैंक यू।